नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेला 2021 के दौरान आज ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे और झांकियों के साथ भव्य और दिव्य रूप में शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा में भारी संख्या में साधु संत शामिल हुए। आईजी और मेलाधिकारी कुंभ ने शोभा यात्रा में पहुंचकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का स्वागत किया। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा नीलधारा टापू से शंकराचार्य छावनी में पहुंची। जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की पेशवाई का आयोजन सन्यासी संतों के अग्नि अखाड़े और परशुराम अखाड़े द्वारा किया गया। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब मेष राशि में सूर्य आता है और गुरु में सूर्य आता है तो हरिद्वार में कुंभ पर्व आता है। वैसे कभी भी हरिद्वार में यात्रा कोई करे, गंगा स्नान करे तो उसका पुण्य तो होता ही है, लेकिन इस परोकार में अनंत गुणी गुणित हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसका लाभ देशवासी लें और अपने आप को गंगा स्नान करके अत्यंत पवित्र बना लें। गंगा का एक नाम दशहरा है, जो 10 पापों का हरण करती है। तो 10 पाप कौन कौन से हैं उसमें बताया गया है कि 4 शरीर के पाप होते हैं और इसी तरह से 3 वाणी के और 3 मन के होते हैं। तो दूसरे की वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना छीन लेना, लूट लेना, चोरी कर लेना, किसी भी प्राणी का अकारण वध कर देना, हिंसा कर देना, परस्त्री गमन करना, ये शरीर के पाप होते हैं। और झूठ बोलना, कठोर शब्द बोलना, असंबद्ध बोलना और इसी प्रकार वाणी में भी बहुत से पाप हो जाते हैं वाणी से। और इसी तरह से दूसरों के धन को हम कैसे छीन लें, किसी का हम अनिष्ट कैसे कर लें और मिथ्या बात पर अड़े रह जाना, ये मन के पाप होते हैं। महाराज जी जैसे ये होता पूरी है, पूरी बात नहीं हुई तो इन सब पापों को गंगा स्नान से आप नष्ट कर दीजिए और उसके बाद वैसा मत कीजिए। मतलब जिस तरह से कोरोना के मार पूरे देश में चल रही है, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुंभ मेले में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ऐसा है कि आपके चुनाव के समय तो ये कोरोना नहीं है। आपका आसाम में चुनाव हो रहा है, बंगाल में हो रहा है और यहाँ भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तब क्यों कोरोना नहीं आता है? धर्म के मामले में आप इतना रंगा क्यों लगाते हैं? क्या पूरे भारत को कोरोना आ गया? आप इंतजाम कीजिए और लोगों को समझाइए कि वो इस कुराने से बचते हुए गंगा स्नान करें। अच्छा महाराज जी, जो कुंभ स्नान है क्या वो प्रमुख मेष संक्रांति के दिन होता है 14 अप्रैल को, वही होता है कि या जो और भी स्नान भी होते हैं उनको शाही स्नान कहते हैं? नहीं, मुख्य रूप से तो हम लोग मानते हैं कि जब
कुंभ पर्व आता है उसी स्नान को मुख्य माना जाता है। कोई शाही स्नान करे, कोई स्नान करे, वो मुख्य नहीं है, मुख्य तो शास्त्र है। 14 अप्रैल को शास्त्र मुख्य है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 57 साल के हो गए। सीएम ने श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में अपना जन्मदिन मनाया, वहां पर यज्ञ आयोजित किया गया और आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर बच्चों के साथ केक काटा। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के समीप तराई केंद्रीय वन प्रभाग के ताड़ा रेंज के जंगल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दर्जनों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने वन कर्मियों की सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि काफी तादाद में नए प्लांटेशन के हरे पेड़ लिपस्टिक के जलकर बर्बाद हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तेज हवा के चलते आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल गई। गनीमत रही कि आग की चिंगारी शहर की तरफ नहीं पहुंची तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इधर आग के घटना की खबर के बाद मौके पर पहुंची उप जिला अधिकारी ऋचा सिंह ने तुरंत ही सेंचुरी पेपर मिल को फोन कर फायर ब्रिगेड मंगवाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और नगर पंचायत के पहुंचे पानी के टैंक ने आग पर काबू पा लिया। देखिए, यहाँ से सूचना मिल रही थी कि टांडा रेंज में हमारे यहाँ जो ये वन क्षेत्र में आग लगी हुई है और इधर हमारी ये लालकुआ की भी बस्ती से सटी हुई है, तो यहाँ पर अभी जो नगर पंचायत की ओर से टैंकर लगाया गया है, आग बुझाने का कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अभी मैंने सेंचुरी से भी फायर ब्रिगेड की बात की है, वो बस मौके पर पहुँच रही है और शीघ्र ही इसको आग को बुझा लिया जाएगा। बिल्कुल, रेंजर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि मौके पर आग काफ़ी कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत भी दिख रही है इसके लिए फायर ब्रिगेड लगा के अभी इसको भी पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए डीएम सर का निर्देश है, लगातार कई बैठकें इसको लेकर हो चुकी हैं, इसमें आपसी सामंजस्य से जो भी ये वनाग्नि हो रही है उसके लिए पूरी टीम तैनात की गई है कि ऐसी घटनाएं ना हो और कहीं भी कोई आबादी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसके लिए लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं, जिसके क्रम में आज मैं यहाँ स्वयं अभी रुकी भी हुई हूँ। रंजन साहब से भी मेरी बात हुई है और अभी हम लोग इसको शीघ्र ही कंट्रोल कर लेंगे। नारायणबगड़ में कोरोना से बचाव और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया गया। भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी के आवास पर मंसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री के शुभचिंतकों ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ कर कोरोना काल में विश्व कल्याण के लिए कामनाएं की। हवन के बाद रामचरित मानस की चौपाइयां और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। ये आज जैसे कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार ये अपना प्रकोप लेती जा रही है और इसी कोरोना महामारी की चपेट में हमारे पूर्व में उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी जो अस्वस्थ हो गए थे और वो अब इस जंग को जीत कर निकल चुके हैं और इसी जंग से इस समय हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी भी इस जंग से लड़ रहे हैं और उनकी हमने जो कोरोना की जंग की जीत के लिए और जो उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य से लड़ने के लिए हमने ये हवन किया था। इस हवन में पूरे साथियों ने ये हवन हमारे मंडल अध्यक्ष जो पूर्व में रहे आदरणीय श्रीमान दलीप सिंह नेगी जी जो इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले में मंत्री जैत और महिला मोर्चा की तमाम बहनों के द्वारा ये महायज्ञ और हवन किया गया था, जिसमें कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, महामृत्युंजय महादेव जी का महायज्ञ मंत्र किया गया। इसमें हमने ये कोरोना के जंग से लड़ने के लिए महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया और प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए और इस जंग में जितने भी योद्धा है उनके जंग से लड़ने के लिए, उनके दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए हमने इस कामना के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया। हमने जो ये यज्ञ यहाँ पर किया है इसमें महामृत्युंजय का यज्ञ, हनुमान चालीसा का जो पाठ यहाँ पर किया है, विश्व के लिए, भारत के लिए और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए यज्ञ यहाँ पर किया है। जो कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसको शांत करने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है कि मानव जाति पे जो है इस समय जो बहुत बड़ा संकट आ रहा है, इस मानव जाति की रक्षा के लिए ये यज्ञ यहाँ पे किया गया है। इससे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भी जो है संक्रमित हुए हैं और इस समय जो है हमारे गणेश जोशी जी भी संक्रमित हैं, तो हमने उनकी दीर्घायु के लिए ये यज्ञ यहाँ पर किया है ताकि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही नहीं संपूर्ण मानव जाति का जो है भला हो, इसी निमित्त हमने ये यज्ञ यहाँ पे किया है। जंगलों में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तहसील घाट में मॉक अभ्यास किया गया। नायब तहसीलदार राकेश देवली की देखरेख में संचालित यह मॉक अभ्यास पूरी तरह सफल रहा। मॉक अभ्यास में
तैयारियों को परखने के लिए तहसील घाट अंतर्गत संघोला में पास जंगल में आग लगने की सूचना प्रसारित की गई। तहसील स्तरीय इंडिपेंडेंस रिस्पॉन्स सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर नायब तहसीलदार ने IRS से जुड़े सभी तहसील स्तरीय नागरिकों को आपातकालीन परिचालन केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए, जिसके 15 मिनट बाद ही एक टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम आग बुझाने में जुटी और कड़ी मेहनत के बाद आग बुझाने में सफलता मिली। धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर नेपाल से भारत आ रही युवती की चेकिंग के दौरान लाई जा रही अवैध चरस को भारत की सशस्त्र सीमा बल के द्वारा नेपाल की दुमलिंग निवासी 25 वर्षीय युवती से 1 किलो 440 ग्राम चरस पकड़ी गई है। युवती के द्वारा चरस को शरीर पर लपेट कर लाया गया था। जांच के दौरान महिला सिपाही ने उक्त चरस को पकड़ा। सूबे में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश में आज भी 700 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसको लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। वहीं इसी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसते हुए क्षेत्र में कोविड की जांच तेज कर दी है। आज इसी को लेकर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम की ने स्थानीय पुलिस चेक पोस्ट पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के कोविड सैंपलिंग दी। हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जो शासन की गाइडलाइन है उनका अनुपालन जिले में कड़े तरीके से किया जाए, जिसके क्रम में आज हमारा जो ये लालकुआ का उधम सिंह नगर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, इस पर हम लोग जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं या अन्य स्टेट से आ रही हैं, उनका हम लोग RT-PCR चेक कर रहे हैं। जिन लोगों के पास भी ये रिपोर्ट नहीं है उनकी यहाँ सैम्पलिंग कराई जा रही है और उनको कड़ी तरीके से इसका अनुपालन के लिए निर्देशित किया जा रहा है। देखिए, RT-PCR की रिपोर्ट जो हमारा 24 घंटे के बाद हमारी रिपोर्ट जो आती है वो आ रही है और उनको एहतियात के रूप में बताया जा रहा है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो होम आइसोलेट रहेंगे और रिपोर्ट आते ही उनको वापस उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। जहाँ अगर वो वापस गए हैं तो वहाँ जाके उन्हें होम आइसोलेट होना पड़ेगा या हमारे उत्तराखंड में, और उनको लगातार बताया जा रहा है, उनके माध्यम से भी बाहर के स्टेट वालों को भी ये इस चीज़ के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको समस्या ना हो, इसके लिए आप RT-PCR की रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, क्योंकि जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस है उनका 100% हम लोग को पालन यहाँ सुनिश्चित करवाना है। चंपावत में पदोन्नति में शिथिलतीकरण, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता, स्नातक किए जाने और पुरानी पेंशन बहाली सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर सर्विसेज एसोसिएशन के जिला इकाई का आंदोलन जारी है। गुरुवार को भी सभी विभागों के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सैन की अध्यक्षता और महामंत्री जीवन ओली के संचालन में धरना स्थल में आयोजित सभा वक्ताओं का कहना था कि 12 अप्रैल को सभी मिनिस्ट्रियल और कर्मचारी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर DM के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजेंगे। हमारी यह है कि सर, पदोन्नति में शिथिलीकरण, पुरानी पेंशन बहाली और मिनिस्टर संवर्ग की शैक्षिक योग्यता को इंटर से बढ़ा करके स्नातक कर किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यह है कि स्टाफिंग पैटर्न और ACP के दोहरे लाभ की व्याख्या शासन कर रहा है, जबकि वो दोहरा लाभ नहीं है, एक ही लाभ है। जिस कर्मचारी की 10 वर्ष तक पदोन्नति नहीं होती है उसी कर्मचारी को ACP का लाभ दिया जाता, जबकि मिनिस्टर संवर्ग में पदोन्नति की अहर्कारी सेवा मात्र 6 वर्ष में पूरी की जाती है। शासन गलत व्याख्या करके कर्मचारी को आंदोलन के लिए उकसारा। यदि सरकार ने शीघ्र ही शासनादेश समाप्त नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ आर पार का संग। प्रशासनिक अधिकारी जो वेतन मारे वो 6600 करने की मांग है हमारी, और पदोन्नतियों के जो मामले चल रहा है उसके बारे में हम चाह रहे कि कार्रवाई हो, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 12 तारीख को एक दिन के बाद धरना करेंगे विस्तार तौर पर, उसके बाद निश्चित हमारा जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग से चमोली तक सड़क निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने NH अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कर्णप्रयाग, कालेश्वर, लंगासू, देवली बगड़, नंदप्रयाग, चमोली चाड़ा आदि विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसमें हम लोगों ने कर्णप्रयाग से चमोली के बीच वाले स्ट्रेच को देखा और उसमें कई जगह पे बॉटलनेक्स थे, वो मेनली यात्रा के दृष्टिगत किया गया था इसे, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे बॉटलनेक्स थे वो भी उन्हें बता दिया गया है, और साथ में कई जगह पे ड्रेन्स, जैसे कर्णप्रयाग से जब हम इधर को मूव करते हैं तो वहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, उसको भी नोट करा दिया गया, और साथ में भी चाड़ा का रूट भी डाइवर्ट किया गया वहाँ के रोड सुधारीकरण के लिए, भी उसके लिए भी कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। चमोली जनपद दौरे पर आए मुख्य वन संरक्षक NTEP और वन विभाग की ओर से जिला चमोली के नोडल अधिकारी रमेश चंद्र ने पिंडर घाटी पहुंचकर यहां वनों में हुई आगजनी का जायजा लिया। ये जनपद चमोली में एज ए नोडल ऑफिसर मुझे नियुक्त किया गया है, और मुझे आके ये देखना है कि यहां पे अग्नि को, वनाग्नि को रोकने की जो हमारी कार्रवाई चल रही है, जो हमने तैयारियाँ की गई हैं वो किस तरह की हैं।
मैंने दो दिन से जो देख रहा हूँ, तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और सारी तैयारियाँ की गई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें जनता को इससे जोड़ना है। अगर हम जनता को नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जो है अग्नि बुझाने का कार्यक्रम, या हम उनकी सहायता नहीं लेंगे तो जंगल में ये अग्नि वाला कार्यक्रम है ये बहुत नुकसान देगा। इसलिए मैंने जोर ये दिया है कि आप जनता को इससे जोड़िए। सर, जैसा कि अभी जो वनाग्नि से जो ग्रामीण झुलस रहे हैं, बड़ी संख्या में मर भी रहे हैं, तो उसमें ये कहीं ये चीज़ें उनके लिए जो मुआवजे का जो प्रावधान है, ये आड़े तो नहीं आती है कि वन भूमि है या उसकी सिविल लैंड है, ये कुछ आड़े तो नहीं आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा जो है कहीं भी आग बुझाते समय कोई वनकर्मी, कोई ग्रामीण, कोई अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको आपदा राहत में तुरंत उसको राहत बताई जाती है। नहीं, देखिए, हमारी तैयारी तो पूर्ण थी। हमने कही जो भी हमारे वन विभाग से अपेक्षित थे, हमने फायर वॉचर्स भी रखे थे हर पुलिस स्टेशन पे, और जो हमने जन जागरूकता के कार्यक्रम भी कराए थे, गोष्ठियाँ कराई थी, फिर हमने नए टूल्स भी रखे हैं पुलिस स्टेशन में, हेलमेट हो गया, फायर रेक हो गया, हर तरह से। तो हमारी पूरी तरह से तैयारी थी। कुछ कुछ हमने महिला मंगल दल को हमें प्रोत्साहन के रूप में फायर सीजन के पहले ही हमने धनराशि दी थी ताकि वो आगामी फायर सीजन में हमारी जो है मदद कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें कई फैक्टर्स एक साथ आए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साल ड्राई पीरियड काफ़ी रहा, वर्षा काफ़ी कम रही, तो कई बार जो छोटी आग भी थी उसने भी विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि कई बार जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया, और बारिश की कमी के कारण जो है काफ़ी मॉइस्चर कम था, तो वो भी एक रहा। प्लस इस बार जो है कई बार ग्रामीणों के कई बार ऐसे देखने को मिले जहाँ पे वो खरपतवार अपने जलाए खेतों में, और तेज़ हवा यहाँ पे घाटी में देखी गई, तो तेज़ हवाओं से वो जंगल की ओर चले गए या कहीं और किसी और एरिया में चले गए, तो इनसे भी कई बार वनाग्नि की दुर्घटनाएँ घटित हुई हैं। लेकिन वन विभाग इस तरह पूरी तरह तैयार है इसमें, और पूरी तरह से सक्षम है कि इस वनाग्नि घटनाओं को हम जैसे तुरंत जानकारी मिली और तुरंत हमने उसको जो है वहीं पर उसको आग को बुझाया, तो इसके लिए हम वन विभाग पूरी तरह से तैयार है और ग्रामीणों को भी तैयार कर रहा है ताकि वो भी वन विभाग को पूरी तरह से इसमें सहायता प्रदान करें। और जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे नोडल ऑफिसर ने भी इसमें दिया है कि जो लोग इसमें जिन लोगों ने आग लगाई उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तो उस पर भी हम लोग ने जो है वन विभाग स्तर पे जो है डिवीज़न स्तर पे टीमें गठित कर दी हैं ताकि हम उनमें जांच करें कि आखिर वो कौन लोग थे, कौन असामाजिक तत्व थे जिनकी जो है जिनके कारणों से इन वनों में आग लगी, और उनको हम जो है कानूनी कार्रवाई करें, उनको जो है ठीक जो ग्रामीण या वनकर्मी आग बुझाते हुए झुलस गए हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको मुआवजा देने के लिए कहीं हिलावाली तो नहीं करेगा विभाग? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा, और चूंकि ये घटनाएं जो है बढ़ भी रही हैं, कई लोग आग में झुलस रहे हैं, तो उनमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो विभाग द्वारा उसको पूरी तरह से उसको किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको निग्लेक्ट करेंगे या उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो पूरी कार्रवाई की जाएगी। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली किच्छा पुलिस द्वारा धादा फॉर्म गोला नदी पर अभियुक्त राजू पुत्र बादशाह निवासी बंडिया को 14.67 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके आधार पर कोतवाली किच्छा में मुकदमा FIR पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायालय पेश किया गया। पुलिस ने जानकारी बताया कि अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी किच्छा कोतवाली में 2 मुकदमे NDPC एक्ट के तहत हैं। कल पुलिस ने ये धादा फार्म है जो गोला नदी के लगे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति को जिसका नाम राजू सनौ बादशाह जो बंडिया भट्टा किच्छा का रहने वाला है, इसके पास से 14.67 ग्राम स्मैक और जिसमें निवास अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया है। आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है और इस स्मैक की कीमत लगभग 1.5 लाख। सर, इसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या है? इसमें जो हमारे थाने में इसमें 2 मुकदमे पहले भी पूर्व में NDPS के अभियुक्त पंजीकृत हैं, और इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहां से आया, कहां का पता था, इसमें बेचना जा रही है। COVID-19 मुख्य विकास अधिकारी और लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ नरेंद्र सिंह भंडारी ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संक्रमण से निपटने और प्रभावी नियंत्रण, रोकथाम और होम क्वारंटीन में रखे गए व्यक्तियों की निगरानी के लिए BRT और CRT टीमें गठित कर दी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से जनपद में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केसों की संख्या में एकाएक तेजी से वृद्धि हुई है, ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेकिंग आवश्यक हो गई है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।